हेलो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पॉइंट है नाउ। आज हम नाउन पर चर्चा करेंगे। नाउ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीचर। इस ब्रह्मांड का जितना भी, पूरे कायनात का जो भी चीज है, जो भी एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसे हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग या फीचर, इन चारों के अलावा और कोई भी ऐसा हेड नहीं है, ऐसा कैटेगरी नहीं है जिसमें किसी वस्तु को रखा जाए। सारी चीजें इन चार टॉपिक्स में आ जाती हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग या फीचर, और उनका नाम ही नाउन है। नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीचर। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सन क्या हो सकता है? पर्सन मींस किसी का नाम हो सकता है, राम, सीमा एंड सो ऑन, या फिर मैन वुमन। मैन वुमन भी क्या है? पर्सन है, बट ये पर्टिकुलर किसी का नाम है। ये मैन नाम नहीं बल्कि किसी स्पीसीज का नाम है। वुमन भी किसी स्पीसीज का नाम है। तो ये सब भी नाउन है। प्लेस, बस्ती, गोरखपुर, आगरा, लखनऊ, जितने भी प्लेसेस हैं वो भी नाउन है। थिंग्स, एयर, वाटर, फायर, सॉइल, मिल्क, सारे के सारे नाउन्स हैं। एंड फीचर, फीचर में आपका ब्यूटी, हॉटनेस, कूलनेस, कावर्डिस, ऑनेस्टी एंड सो ऑन, ये सब क्या है? नाउन है। ये चार तरह के नाउन हमारे आसपास मिलते हैं या पूरी दुनिया में मिलते हैं। अभी नाउन्स को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो नाम से क्लियर है, कुछ नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन राम से आप मोहन कहीं खड़े हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं। मैन वुमन, जिनका प्लूरल फॉर्म आप पाए, जो प्लूरल फॉर्म में उपलब्ध हो, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, जैसे आर्मी हो गया, क्लास हो गया, बंचेज हो गए, ये काउंटेबल नाउन हो गया, इसे जिसको आप काउंट कर सकते हैं और जो प्लूरल फॉर्म में अवेलेबल हो। अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जो काउंट ना किए जा सके। मटेरियल नाउन, सॉइल है, वाटर है, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ब्यूटी, हॉटनेस, कावर्डिस, आप कैसे काउंट करेंगे? इम्पॉसिबल। ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ये हो गया आपका दो मेजर कैटेगरीज नाउन्स के, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। एंड आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक नाउन का जो सब कैटेगरी है उसका एग्जांपल देखेंगे और उसको ठीक से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखेंगे काउंटेबल नाउन का। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जैसे किसी का नाम हो, रमेश, शीला, हिमालय, और अगर कोई डॉग है उसका नाम आपने रख दिया टॉमी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। कोई ट्री है तो ट्री तो आ गया आपका कॉमन नाउन है, लेकिन अगर ट्री का आपने किसी स्पेसिफिकेशन कर दिया, नेम ट्री, पीपल ट्री, बर्गर, बनियान ट्री, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। डिफरेंस समझ में आया? कॉमन नाउन, जब ऐसा कोई वर्ड आप बोले, ऐसा कोई नाम आप बोले, नेमिंग वर्ड हो, जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम ना हो, कई चीज समाहित हो, एक स्पीसीज हो, एक जाति विशेष हो, मैन,
तो हम सभी लोग मैन हैं, जितने पुरुष हैं दुनिया के सब लोग मैन हैं। ट्री, ट्री का मतलब दुनिया के सभी पेड़ हुए, कोई नाम नहीं है। डॉग ऐसे ही एक कॉमन नाउन होगा जिसमें किसी पर्टिकुलर नाम को नहीं बल्कि एक स्पीसीज को, एक कैटेगरी को डिनोट किया जा रहा हो। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन। तो देख रहे हैं, आर्मी, आर्मी सोल्जर्स कलेक्शन है, क्लास स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, बंचेस फ्लावर्स का कलेक्शन है। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ऐसे बहुत से नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अलग से गूगल कर लीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन होता है, जैसे कोई भी मटेरियल है, मैटर है, आयरन, गोल्ड, मिल्क, फॉग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिखाई ना पड़े, सिर्फ रियलाइज की जा सके, इसको अमूर्त चीज कहते हैं। तो ये हो गई आपकी ऑनेस्टी, कवर्डिस, हॉटनेस, कोल्डनेस, लेंथ, ब्रेथ, इलनेस, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीचर को व्यक्त करते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष का, किसी भी वस्तु विशेष का। कोई भी फीचर है, ऑनेस्टी एक फीचर है, ईमानदारी, कवर्डिस फीचर है, कायरता, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये रहे आपके नाउन। एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, जैसे आपका आयरन है मटेरियल नाउन, लेकिन अगर आप आयरन्स कह देते हैं तो आयरन्स मीन्स आपका हो गया जंजीर, तो जंजीर आपका कॉमन नाउन हो गया आयरन्स, जंजीर हो गया। ऐसे ही कुछ मटेरियल नाउन को बना सकते हैं कॉमन नाउन। तो यहां पर आपको बहुत ही अलर्ट रहना है कि जो हम नाम, जो वर्ड हमारे पास है उसकी मीनिंग क्या है, किस मीनिंग में वो वर्ड यूज हुआ है। अगर आयरन्स है तो कॉमन नाउन था, लेकिन अगर आयरन है तो वो मटेरियल नाउन हो गया। तो देखें, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, एक एडजेक्टिव से नाउन कैसे फॉर्म होता है। जैसे ब्यूटीफुल लिखा हो, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल से अगर आप नाउन बनाना चाहें तो ब्यूटी नाउन हो जाए। कभी कभी नाउन को सफिक्स को हटा के बनाते हैं, कभी सफिक्स लगा के बनाते हैं, जैसे कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड एडजेक्टिव है। अगर कोल्ड को आपको नाउन में चेंज करना है, कोल्डनेस करना पड़ेगा। अगर कोल्ड को नाउन में चेंज करना है तो कोल्डनेस करना पड़ेगा, हॉट को हॉटनेस करना पड़ेगा। किसी किसी एडजेक्टिव में सफिक्स ऐड करके बनाते हैं नाउन, और किसी किसी एडजेक्टिव में सफिक्स हटा के नाउन बनाते हैं। तो ये सब कुछ बारीकियां हैं कंप्लीट नाउन के सेंस में। नाउन के केस में कुछ बारीकियां थी हमने बताया, अगर कुछ छूटा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर इस वीडियो को आप कई बार देख लेंगे तो नाउन में कुछ नहीं छूटेगा। मेरे ख्याल से नाउन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको ठीक से समझ लीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में जब आप कंपटीशन में या जब आप आगे वॉइस या नरेशन पढ़ेंगे तो नाउन को आपको पहचानना होगा कि सेंटेंस में या किसी पैसेज में कहीं भी आप इसको ढंग से पहचान लें, ठीक से पहचान लें, इसको इतना परिचय ले लें कि देखते ही आपको लगे हाँ ये नाउन है, दिस इज संज्ञा, ये नाउन है इस सेंटेंस में, और आपका काम आसान हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।